नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED प्रथम सेमेस्टर 2023 हिंदी का क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, 5 जुलाई 2023 पेपर की पूरी तैयारी को देखने वाले हैं और जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके पेपर में 6 नंबर का अति लघुत्तरीय प्रश्न आता है और इसके बाद आपको तुरंत लघु उत्तरीय प्रश्नों की वीडियो जरूर देखना जो कि 14 नंबर का पेपर में बनेगा। और एक हमने बहुविकल्पी की क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है 5 नंबर के लिए। ठीक है, तो इन 3 वीडियो को देखकर ही पेपर देने जाना है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए अति लघुत्तरीय क्वेश्चन को शुरू किया जाए। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या रहा, अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम बताना है दोस्तों आपको। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका प्राचीन और उचित का हो जाएगा विलोम शब्द अनुचित। तो देखिए इन सब चीज को आपको याद करते हुए चलना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अग्नि अमृत तथा गणेश के दो दो समानार्थक शब्द आपको बताने हैं। तो अग्नि का क्या हो जाएगा दोस्तों, अनल पावक आग, तो एक तरह से पर्यायवाची शब्द समझ सकते हैं। अमृत का क्या होगा, पीयूष सुधा और सोम। गणेश का हो जाएगा आपका दोस्तों लंबोदर विनायक और गणपति। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं। तो वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं तथा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को हम पद या छंद कहते हैं, इसको ध्यान में रखना है आपको। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, अंश एवं अंश में अंतर लिखिए। देखिए दो तरह के अंश हैं, अंतर आपको बताना। एक अंश का मतलब आपका कंघा हो गया और दूसरे अंश का मतलब हो गया भाग। बोलते हैं ना आपको, बस इतना ही अंश मिला, इतना पार्ट मिला। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका अज्ञ और उन्मुख का शब्द है क्रमशः विलोम शब्द आपको लिखना है। अज्ञ क्या विज्ञ हो जाएगा, उन्मुख का हो जाएगा आपका विमुख। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन आज का, भ्रंग और विट्टप शब्द के क्रमशः दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो भ्रग का हो जाएगा दोस्तों आपका मधु, मधुकर, भ्रमर, भौरा। आपने सोचा होगा यार दो बोला गया, चार क्यों लिखा गया, तो दोस्तों आपको याद हो जाए तो ऐसा ही लिखा गया इसलिए। फिर अगला है आपका विटप का, तो तरु, पेड़, वृक्ष और पादप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्रुतलेख का क्या उद्देश्य होता है इसको आपको बताना है। तो श्रुतलेख को अंग्रेजी भाषा में डिक्टेशन कहा जाता है। अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 में ही सुलेख या श्रुतलेख, ठीक है, की शिक्षा देना आरंभ कर दे तो अच्छा होगा। श्रुतलेख सुनकर लिखा जाता है, अध्यापक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखते जाते हैं। तो हो सकता है दोस्तों आपने भी बचपन में सुलेख लिखा होगा। तो श्रुत लेखन का उद्देश्य हिज्जे दुरुस्त करना तथा लिखने में तीव्रता का विकास करना होता है। तो सुलेख अगर दोस्तों आप लिखना शुरू करेंगे तो आप, हो सकता है आजकल BTC में अगर आपके नोट्स बनाई जाती होगी या DLED में, तो आप वहां तेजी से लिख पाते होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, 6 वर्ण किसके योग से बनता है दोस्तों, ये आपको बताना, क प्लस स। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जरूर पेपर में आते, तो आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है ना, आपके एक एक नंबर बहुत ही जरूरी होते हैं पेपर में। फिर अगला क्वेश्चन, समानार्थी शब्द का आशय लिखना है। तो एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं। देखिए दोस्तों हम बात कर रहे थे भी, पर्यायवाची और समानार्थी आपका एक ही होता है, खाली कंफ्यूजन आपको क्रिएट करता है। व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए, तो व्यंजन का क्या अभिप्राय होता है आइए जानते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को मार्ग में विभिन्न अंगों के टकराने का कारण रुकावट आती है, ठीक है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। जो दोस्तों आपके व्यंजन होते हैं वो किसकी सहायता से, स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब परिभाषा दोस्तों बहुत ही आसान है, लेकिन हो सकता हो कि आप भूल गए हो, बचपन में पढ़ा होगा आपने, तो ये आपका एक तरह से रिविजन भी हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों अब देखते हैं, हिंदी भाषा के कौशलों के आपको नाम लिखना है। तो हिंदी भाषा के कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश में जरूर आता है ऐसे क्वेश्चन, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि ध्वनि क्या होती है इसको बताना है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई होती है। भाषा किसे कहते हैं आपको ये बताना है। तो ध्वनि चिन्हों के समष्टि को हम भाषा कहते हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, अगर आपसे कभी कोई ऐसे जनरली पूछ ले कि भाषा किसे कहते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर भाषा होती क्या है। तो ध्वनि चिन्हों के समष्टि को हम भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है आपको ये बताना है। तो दोस्तों भाषा निर्माण का संपूर्ण ढांचा ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो ध्वनि विज्ञान का संबंध श्रवण कौशल से है, इसका उत्तर होगा। हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने होते हैं, तो दोस्तों हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, इसको ध्यान में रखना दोस्तों, 11 स्वर और 33 व्यंजन, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, स्वर किसे कहते हैं आपको ये बताना है। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना रुकावट मुंह से निकलता है उन्हें हम स्वर कहलाते हैं, ठीक है। हिंदी में अ आ इ, ठीक है, उ, री, ए, ओ और ओ, कुल 11 स्वर होते हैं।
तो इसको भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। और इंग्लिश में तो स्वर आपको पता ही होंगे, जिसको वाविल बोलते हैं हम लोग, तो इंग्लिश का तो सही होता है आपका ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है, वो इंग्लिश में, हिंदी में ये सब आपका ठीक है याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अब व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों आपको ये बताना है। तो ऐसे अक्षर जो उच्चारण के समय ध्वनि फेफड़ों में अनुस्फरित होकर मुख से उच्चारण को स्पर्श करती हुई निकलती है उसे हम व्यंजन कहलाते हैं ठीक है। तो इन परिभाषाओं को दोस्तों आपको सुन के याद कर लेना है, अगर आपको एक बार भी परिभाषा याद ना हो तो वीडियो को बैक करके फिर से आगे करना है, क्वेश्चन को मिस नहीं करना है ठीक है। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, छोड़िएगा मत, नहीं तो आपके काफी क्वेश्चन छूट जाएंगे और पहले से दोस्तों आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों, अब ये आपको जानना है कि जब मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है ठीक है दोस्तों, वही होते हैं आपके ये सब, क, ख, ग, घ, ये सब आपके दोस्तों नाम है, तो फिर से हम बोल देते हैं आप इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। स्पर्श व्यंजन में क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, थ, प, फ, ब तथा भ ठीक है ना, ब तथा फ। अब बात आती है स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपने दोस्तों बहुविकल्पी में काफी देखा होगा, तो अगर हमारी पार्ट वन वीडियो अभी तक आपने ना देखी तो उसको जरूर देखिएगा दोस्तों, पार्ट वन, ये पार्ट टू है आपकी ठीक है ना, उसके बाद पार्ट थ्री आपको देखने को मिलेगी। अब स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन जानते हैं किसे बोलते हैं, जब मुख द्वारा बहुत को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा स्थानों को कुछ रगड़ती हुई चलती है तथा च छ झ ठीक है, ये सब है। अब दोस्तों बात करते हैं अनुनासिक किसे कहते हैं, जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिका विवर भी खुला रहता है यथा, ये सब है दोस्तों ठीक है ना, अंग इया ड न म। अब दोस्तों बात आती है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो दीर्घ स्वर है आपका आ ई बड़ा उ री। फिर दोस्तों बात आती है लुंठित तथा लोड़ित किसे कहते हैं, तो इसमें मुख द्वारा जीभ की नोक से शीघ्र ही बंद होता है और दो तीन बार खुलता है यथा र। अर्धस्वर किसे कहते हैं दोस्तों ये बताना है आपको, तो दोस्तों इनके बोलने से मुख द्वार बहुत सकरा हो जाता है और हवा स्वर की भांति बीच से निकल जाती है ठीक है आपके, यह और वह। अक्षर समूह का दूसरा नाम दोस्तों लिखना है, तो अक्षर समूह का दूसरा नाम आपका होता है वर्णमाला ठीक है। अगला क्वेश्चन ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में समय कम लगे वे ह्रस्व स्वर होते हैं जैसे अ ई उ ठीक है, उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो उसमें व्यंजनों की संख्या आपकी चार होती है। देवनागरी लिपि की क्या विशेषता होती है ये आपको बताना है, तो देवनागरी लिपि सुंदर तथा स्पष्ट है, हमारा मूल साहित्य इसी लिपि में संरक्षित है। अगला क्वेश्चन भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का कौन सा माध्यम है, तो भावों और विचारों का माध्यम आपका भाषा होता है याद रखना दोस्तों ठीक है ना, अभी भाषा की भी परिभाषा आपने थोड़ी देर पहले देखी थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का कौन सा माध्यम है, तो मनोभाव को बोलकर प्रकट करने का माध्यम मौखिक भाषा होती है। पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों पढ़कर व लिखकर लिखित भाषा के द्वारा। ग्रंथ के बचे हुए अंत जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखे, क्या अंतर होगा दोस्तों, इसका अंतर होगा परिशिष्ट। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में दोस्तों आते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ते चलना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे भाषा की चार दक्षताएं बताइए दोस्तों, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। देखिए अभी हमने देखी थी भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के दोस्तों लिखित व मौखिक दो रूप होते हैं। भाषा किसे कहते हैं, देखिए लिखकर तथा बोलकर समझाई जाने वाली बातें भाषा कहलाती हैं। देखिए अलग अलग परिभाषाएं आपको देखने को मिलती हैं। लिपि क्या होती है, देखिए यादृच्छिक वर्ण प्रतीकों की परंपरा भाषा को दृश्य रूप में स्थायित्व प्रदान करें लिपि कहलाती है। अब बात आती है दोस्तों अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, तो भाषा के अंतर्गत अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं ठीक है। तो उसको समझना दोस्तों, भाषा के अंतर्गत जिनके अनेक शब्द होते हैं उन्हें हम, या जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कल शब्द का अर्थ है पिछला दिन, अगला दिन, सोड, मशीन, सुंदर आदि। जी हाँ दोस्तों, कल का मतलब आपको नहीं पता होगा कि आने वाला कल है कि बीता हुआ कल है, ये सब चीजें। अब दोस्तों बात करते हैं पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, तो दोस्तों इसका अंतर क्या हो जाएगा, एक सार्थ प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल को नीर,
वारी पानी आदि नाम से जाना जाता है। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों? तो जनार्दन होता है। विलोम शब्द किसे कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है ये। विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को हम विलोम कहलाते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या रहा आपका कि अर्वाचीन और उचित का विलोम शब्द लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन भी था। तो दोस्तों अर्वाचीन का आपका क्या हो जाएगा विलोम शब्द और उचित का? देखिए उचित का तो आपका अनुचित सही है और अर्वाचीन का दोस्तों होगा आपका प्राचीन। देखिए यहाँ पर गलत लिखा गया है। पहले क्वेश्चन में आपने देखा होगा दोस्तों इसका आंसर सही लिखा था, तो इसका आंसर होगा प्राचीन। ठीक है, अर्वाचीन का होगा आपका प्राचीन। इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए बुक्स में काफी गलतियां रहती हैं, तो ये सब चीज से आपको ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है ना? तो अर्वाचीन का क्या होगा? प्राचीन होगा। देखिए आपने पहला क्वेश्चन भी आज देखा था, दिखा देते हैं आपको, नहीं तो कंफ्यूज होंगे। तो अर्वाचीन का जो विलोम शब्द, देखिए यहाँ पर प्राचीन लिखा है ना, तो वही चीज है दोस्तों, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। यश तथा भास्कर के पर्यायवाची शब्द बताइए। तो यश का हो जाएगा कीर्ति, भास्कर का हो जाएगा सूरज। ठीक है, तुकांत शब्द क्या होता है? आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। तुकांत शब्दों में उच्चारण की दृष्टि से सभी शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों की किसी भी प्रकार की एक रूपता होती है। ठीक है, जैसे रुष्ट पुष्ट दुष्ट झोंक पोंक। ठीक है दोस्तों, तुकांत आप समझ लोगे, झंडा अंडा पंडा संडा डंडा कंडा। अब बात आती है दोस्तों अगला क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? भाषा को स्पष्ट संक्षिप्त तथा सुंदर बनाने के लिए वाक्य को एक ही शब्द में व्यक्त करने वाले शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जो बिना वेतन का काम करे अवैतनिक, जिसकी कोई उपमा ना हो अनुपम। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन, अंश और अंश शब्द का अर्थ स्पष्ट करिए। देखिए दोस्तों बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बोलने में तो बिल्कुल समान लग रहा है। इस प्रकार के शब्दों को समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंश और अंश शब्दों का उच्चारण एक समान है परंतु अंश का अर्थ भाग होता है और दूसरे अंश का अर्थ होता है दोस्तों आपका कंधा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा, हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हिंदी में 11 विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे, अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? तो आप लोग कॉमा बहुत लगाते होंगे ना, ये वाला कॉमा ऐसे दिख भी रहा होगा तो आप लोग लगाते हैं बहुत है कॉमा। तो कब होता है? देखिए किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग देने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम को जगाओ मत सोने दो, राम को जगाओ मत सोने दो। जी हाँ दोस्तों, जैसे लिखा गया ना, तो यहाँ पर बीच में अल्प विराम पूर्ण विराम नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? विस्मयादि बोधक का मतलब आपका एक्सक्लेमेटरी साइन होता है जिसमें दोस्तों आप खुशी या दुख बहुत नहीं व्यक्त करते, जैसे इंग्लिश में देखेंगे एलास होगा या हुर्रा होता है, तो उसमें दोस्तों इसका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आप वैसे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वाक्य के अंत में। ठीक है, ये तो लास्ट में लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं ना हुर्रा या कुछ ही, खुशी की बात हो दुखी की बात है तो उसमें लगाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, लेखन के प्रकार आपको बताने हैं। तो दोस्तों कौन कौन सा होता है? सुलेखन, अनुलेखन तथा श्रुति लेखन। अगला क्वेश्चन, लेखन शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? आपको ये बताना। भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीक एवं संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है तो ये आपका लेखन कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, लेखन शिक्षण की विधि आपको बतानी है। तो दोस्तों कौन कौन सी है? जैकाटार विधि, मॉन्टेसरी विधि और पेस्टोलॉजी। तो दोस्तों ये दो विधि तो काफी फेमस है आपकी, मॉन्टेसरी और पेस्टोलॉजी, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन आता है कि वाक्य किसे कहते हैं? मनुष्य के विचारों की पूर्णता लिखित या मौखिक रूप में प्रकट करने वाले समूह को हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य को परिभाषित करना है आपको। वाक्य में भाव को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। वाक्य के आपको दोस्तों प्रकार लिखना है। तो दोस्तों वाक्य के प्रकार हैं सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं। लेखन शिक्षण की कोई दो विशेषताएं आपको बतानी है। तो देखिए दोस्तों पहली कौन थी? अक्षर शब्द वाक्यों का स्पष्ट स्वरूप प्रस्तुत करना। दूसरा आपका व्याकरण एवं वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, एक सफल भाषा शिक्षक में कौन से गुण होने चाहिए? तो दोस्तों शिक्षक लेखन में निपुण हो, भाषा का पूर्ण ज्ञान रखता हो, टीचर आपका प्रभावमय वक्ता हो जो दोस्तों लगातार बोलता जाओ, और शिक्षण का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। ठीक है ना, जो वो बोले वो आपको समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम आपको बोल रहे तो आपको हमारी बात समझ में आ रही है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट रखता है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों देखा जाए, अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। तो अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला है। अभी ये क्वेश्चन भी हमने देखा था, स स स ह किस प्रकार के व्यंजन है? तो दोस्तों जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती उन्हें हम
उसमें संगर्थी व्यंजन कहते हैं। तो कौन सा व्यंजन है दोस्तों, ये आपका संगर्थी व्यंजन। भाषा शिक्षण के चार प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसके चार प्रमुख कौशल श्रवण, उच्चारण, वाचन एवं अभिव्यक्ति हैं। अनभिज्ञ तथा मुक्त का क्रमशः विलोम शब्द लिखिए। तो अनभिज्ञ का होगा सुविज्ञ, मुक्त का होगा बंधन। ठीक है, पिछात्र ज्ञ किस प्रकार के व्यंजन है दोस्तों? ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। ओ और औ का उच्चारण स्थान बताइए दोस्तों, तो कंठ और ओष्ठ। ठीक है, ओ का आपका कंठ, औ का ओष्ठ। य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है दोस्तों? ये अंतस्थ व्यंजन है। ये सब चीजें आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, अनुस्वार हम किसे कहते हैं इसको बताना है। तो अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है, जैसे डंडा, कंचन, जंगल इत्यादि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो चिन्ह, ठीक है, जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। उसमें व्यंजनों की संख्या लिखनी दोस्तों, तो उसमें व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती, उसमें संगर्थी व्यंजन कहते हैं, जैसे आपका स स सह। तो परिभाषा दोस्तों आप हर बार लिखेंगे। देखिए जब ये क्वेश्चन 2 नंबर के आएगा तो आपको अगर खाली दोस्तों ये बोला जाए कि संख्या लिखिए, तो ये नहीं कि आप खाली ये 4 लिख दें कि उसमें व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन आप जितना अच्छा डिफाइन करेंगे तभी आप पूरे अंक पाएंगे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है इसको देखते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ये आपको बताना है, जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे। तो एक मात्र, ठीक है, एक मात्रा का समय लगे उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो अ, ई, उ और री। उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखना है दोस्तों। तो उपेक्षा का अवहेलना, अपेक्षा का होगा दोस्तों आशा। आपसे बहुत अपेक्षाएं है ना, ऐसे बोलते हैं ना लोग, तो बहुत आशाएं होती हैं आपसे। जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, जिसके नीचे रेखाएं लगाई, रेखाएं होती हैं, उस वाक्यांश को हम रेखांकित वाक्य कहते हैं। ये सब चीज ध्यान में रखना। देखिए दोस्तों ये सब क्वेश्चन अब आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं, देख रहे हैं आप 2019 में आ चुका है, तो मतलब इस साल पेपर जो हुआ था। तो दोस्तों आपका पेपर भले 2020 में होगा या जब भी होगा, सिलेबस कभी दोस्तों चेंज नहीं होता, सिलेबस हमेशा वही होता है, लेकिन आपकी तैयारी कैसी है ये डिपेंड करता है। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, आकाश शब्द के चार पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। तो आकाश का क्या होगा, गगन, नभ, आसमान और अंबर। ठीक है, ओ और औ किस प्रकार के वर्ड होते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। ओ और औ दोनों स्वर वर्ण हैं। ठीक है, उसमें व्यंजन कितने होते हैं ये आपको दोस्तों लिखना। तो उसमें व्यंजन आपके स स स, देखिए हम लोग कितनी बार ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ओ औ वाला भी पढ़े, पर्यायवाची शब्द दोस्तों देखिए कुछ भी आ सकता है, तो ये सब थोड़ा आप डीपली पढ़कर जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों संधि एवं संयोग शब्द का विलोम शब्द लिखना है। तो संधि का हो जाएगा दोस्तों, संधि विच्छेद आपने पढ़ा होगा ना, तो संधि का विच्छेद हो जाएगा और संयोग का वियोग हो जाएगा। तो ये आसान से क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने जितने क्वेश्चन आपने पढ़ा ये पहले आपने देखा जरूर होगा। तो दोस्तों एक तरह से आपको ये रिविजन भी अच्छा खासा हो गया है। और दोस्तों इसके बाद तुरंत अगर आपने पार्ट 1 हमारी वीडियो ना देखी हो तो उसको जरूर देखिएगा, और पार्ट 3 भी दोस्तों आपको जरूर देखना, मस्ट है देखना। तो ये 2 वीडियो और देखेंगे तो आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट होगा। तब दोस्तों आप लोग 25 में 25 नंबर लाने के कैपेबल होंगे। मतलब ऐसे दोस्तों होता क्या ना, ये आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन थे तो ये सारे क्वेश्चन एक एक नंबर में आएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय में आएंगे तो वो 2 नंबर के होंगे। तो आप लोग क्या होगा ना, लघु उत्तरीय क्वेश्चन को थोड़ा बनाकर और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो अच्छे अंक पाएंगे। और कभी भी कोई भी प्रश्न को आप कभी खाली छोड़कर मत आइएगा, लघु उत्तरीय में तो बिल्कुल भी 2 नंबर का प्रश्न रहता है दोस्तों, कुछ भी लिख के आएंगे तो हो सकता है एग्जामिनर आपको थोड़ी सी दया दिखाए और 1 नंबर दे, आधा नंबर दे। तो वैसे दोस्तों आप लोग कम से कम पास तो हो ही जाएंगे। जिन बच्चों की बैक आने का खतरा होता है उन बच्चों के लिए स्पेशल टिप्स है, कभी भी कोई क्वेश्चन अधूरा छोड़कर या कापी खाली छोड़कर मत आइएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और दोस्तों वीडियो समाप्त होते ही नई वीडियो आप देखिए, पढ़ाई करते रहिए, फिर मिलते हैं।